मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे हो? माता जी सबको अच्छा रखें। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ कहाँ, तो आप सब ब्लॉग देखते रहें पूरा एंड तक, मैं कहाँ जा रही हूँ। और तो स्वाति लगा रही हूँ, अच्छा है स्वाति, क्योंकि स्वाति नॉर्मल डिलीवरी हो जाए सही, अच्छी बात है, नॉर्मल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो स्वाति पोंछ लगा रही हैं, तो वे चलते हैं क्या हो रहा है अंदर, और फिर आप सबसे मिलते हैं नहाने के बाद। तो मैंने नहा लिया है और पूजा भी हो गई है और मैं तैयार भी हूँ। और ये देखो योग इसमें नहा रहे हैं। योग चलो, योग तैयार हो जाओ, आप चलो ना, चलना नहीं है, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। तो युग को भी तैयार कर देते हैं और स्वाति तैयार हो गई है, फिर चलते हैं थोड़ी देर बाद नाश्ता कर लेते, फिर निकलते हैं। कहाँ जाओगे? बताओगे तभी लेके चलेंगे, नहीं तो नहीं लेके चलेंगे, बताओ। सही से बैठो, टांग ऊपर करके रखो। कहाँ जा रहे? छोटे बाबू को लेने, तुम भी चलोगे? ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, इसको लेके नहीं जाएगा। युग तो जा रहा, और युग जा रहा, युग जा रहा, युग बाय, युग जा रहे, युग स्कूल जाएगा, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना है ना, अभी ना? अभी युग लौट आएगा, अभी है ना युग, कैसे लोगे छोटे बाबू को? युग अभी लौट आओगे ना आप, युग कैसे लोगे छोटे बाबू को? बताओ कैसे लोगे? ए युग ने बताया, तो स्वाति यहाँ करना कर रही नाश्ता, ये देखिए चाय और नहीं दूध और ब्रेड, दूध और ब्रेड चाय नाश्ता कर रही है। हम लोग थोड़ी देर निकलेंगे। ये फाइनली स्वाति के दर्द होने वाली है, मैं तो कह रहा हूँ दर्द शुरू हो जाए स्वाति का, मैं कह दूंगा 30 तारीख को कराऊंगा, 30 तारीख तक दर्द में रहेगा। चलो चलो, क्या हुआ स्वाति, दर्द हो रहा है? क्या आगे क्या होगा? आगे अच्छे से होगा, सब अच्छा बढ़िया होगा। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल स्वाति का दिखाने के लिए, और तो देखते हैं, डॉक्टर ने कह दिया कि आज ही होगा नॉर्मल डिलीवरी, तो आज ही हो जाएगा, अगर भगवान जी रक्षा करेंगे। चलते हैं, तो हम बैठ गए हैं गाड़ी में, और हम सब बैठ गए गाड़ी में, तो फिर चलते हैं। अब आप नहीं आओगे? नहीं नहीं नहीं, आ जाएंगे शाम को, आएंगे शाम को, आएंगे बेटा आ जाएंगे बाबू। नहीं शाम को आएंगे, आएंगे बाबू, देखो स्कूल भी तो खुल रहे हैं, है ना, तो बाबू पढ़ाई नहीं करेगा, जुलाई तो जब आएगा, जब डैडी युग को पता है जुलाई कब आएगा, कब आएगा बताओ, परी। अच्छा परी जब स्कूल जाएंगी तब, आप क्या ऐसी समझ रही हो, युग को सब पता है, युग को, हाँ युग को सब पता है। तो यहाँ पे योग गुस्सा हो गए हैं, क्योंकि मैं इसको लेके आ गई गाड़ी से, कह रहा मौसी के साथ जाना है मुझे, तो मैंने कहा बाबू अभी नहीं जाएंगे, तो जिद कर रहा था कि नहीं मुझे जाना है जाना, तो योग जा रहा है पापा के साथ हॉस्पिटल, तो पापा ने कहा चलो मेरे साथ चलना, तब जाके उसका गुस्सा ने शांत हुआ। और अब मम्मी भी जा रही हैं हॉस्पिटल, तो ये देखो अब पापा के साथ जा रहा है वो, ये देखिए तब भी गुस्सा ही है। मैं घर पे आ गई हूँ, और क्योंकि स्वाति और अंकुश हॉस्पिटल गए हैं, तो
तो मैंने कहा कि मुझे गड्ढे उतार देना यहीं से, हमने तो मोड़ से उतार दिया था। तो अब देखते हैं स्वाति को, फिर देखो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो अगर डॉक्टर लेते हैं कैसे क्या होगा तो आप सबको बताती रहूंगी। तो चलो अभी चलते, मैं खाना बना लेती हूँ कि मम्मी गई हैं अभी हॉस्पिटल गई हैं और पापा भी गए हैं, तो मैं खाना बना लेती हूँ सबके लिए। चलो बना लेते हैं खाना। मैंने अरहर की दाल बना ली है और ये मैंने यहाँ पे आटा भी मार के रख लिया है। तो अब रोटी सेक लेते हैं, जल्दी से पापा को खाना खिला देते पहले। तो यहाँ मैंने सूखी सब्जी बनाई है, टमाटर आलू सूखी सब्जी, ये देखिए। तो गाइस मैं हॉस्पिटल गई थी और जब मैं गई थी तो स्वाति का मैम चेक कर रही थी, तो मैं थोड़ी देर रुकी थी क्योंकि युग को भूख लगी थी, तो मैं युग को लेकर घर पे आ गई थी। तो उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया हॉस्पिटल का, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया ज़्यादा, तो फिर क्योंकि फिर उसके बाद फिर चला गया था युग से भूख लगी थी, तो मैंने खाना खिला दिया था फिर चला गया था। तो बस, तो मैंने कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई, तो मैं ब्लॉग को ही पे ऐड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और खूब सारा प्यार देते रहना जैसे अभी तक देते हो।